ओके आगे सही मुझसे लिखा है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मां है शेफ फैसल तारी सुबह कुकिंग शो में तब सब खैर से हुंदा। सॉरी मुझे हथ में माइक निकरी हुई, इन करे आवाज शायद बंद थी वई हुई। आई जे कर रेसिपीज टाइम पर ईवा कुकिंग ऑयल सगर विटामिन ए डी का भरपूर कोलेस्ट्रॉल के कंदो कंट्रोल। इन में ओमेगा 3 मौजूद है, जेको एक कैप्सूल हुंदा ओमेगा 3 जो अस खाइंदा मच्छी वो कैप्सूल वही सजी जे क्वालिटी जे अंदर मौजूद है। देखो ताजी हार्ट डिजीज ला, ताजे जॉइंट्स पेन ला, कोलेस्ट्रॉल ला तमाम बेहतरीन है। इनमें ईवा में सनफ्लावर कुकिंग ऑयल आए, कनोला कुकिंग ऑयल है, उन सा गड नई पैकिंग में दस्तियाब आई। बनस्पति घी लो कोलेस्ट्रॉल आए, तुम मिठा ठाईंदा आयो, हाँ सियारो अचे पे तो उनमें पराठन की काफ़ी सारी वैरायटी ठंडी है, मिठा ठाईंदा आयो। तो बनस्पति घी जो असा इस्तेमाल कंदा आयो ईवा बनस्पति घी। उन सा गड असा वट आए मलका जी प्रोडक्ट है, तमाम बेहतरीन मलका फूड जी। इनमें काफ़ी सारी रेसिपीज तुझे सामू मौजूद है, इतने तुम ऐसी सोता कढ़ाई गोश्त है, दिल्ली निहारी है, बिहारी कबाब है, लखनवी बिरयानी है, पंजाबी तड़का दाल शामी कबाब मुगल पिला, मच मोर काफ़ी सारी रेसिपीज हैं जो तुम वी सोता। कढ़ाई गोश्त है जो पिशावरी कढ़ाई गोश्त है, ये तुम वो दुनिया भर में तमाम मकबूल है। ये मसाला यूरोप में, अमेरिका साइड से, ऑस्ट्रेलिया वगैरह में तमाम नालो है इन जो, तो ये तुम वो ईजीली तक मिली इंदा जो पुठियाँ सारी रेसिपी लिखल होंगी। अज जो रेसिपी ठाया पो डिफरेंट एक रेसिपी ठाया पो अरबिक रेसिपी है मंदी कब्जा कस्बा भी इनके चाहबो है। तो यह तमाम बेहतरीन रेसिपी है, अरबिक रेसिपी है मंदी। चिकन में हुआ था ही मटन में या दुम्बे जो गोश्त में ठांदी है, ठीक है, रिड जो गोश्त है चाहबो है इनके। तो यह मैं चिकन में ठाइन सकता पे ताकि ओवन में भी ठांदी है, बेक भी करी सको था इनके, इनके अलावा तक स्टीमर में भी ठाई सको था। ईजी वे में तक ठाइन सिखारा पे तकरीबन पंज मू चार मू आराम से इतनी क्वान्टिटी में ठाए पे आराम से खाई सकता है। तमाम इतने मशहूर है, तमाम घनी कराची में जगह जगह इन आउटलेट्स आई है, इन दुकानों खुलियो मंदी डिफरेंट एरियाज में, इतने काफ़ी हले पे, काफ़ी मू खाइन पे, इस्लामाबाद पंजाब साइड से भी है। इतना जरूर ट्राई कजो, ढी फेमस रेसिपी है, सियारे के हिसाब से तमाम सुठी है। तो नोट कजो रेसिपी थोड़ी लेंथी है, तो एक ठाया पे सुबह जो 12 वगे रिपीट आंदो कुकिंग विद शेफ फैसल मुझे पेज होते रेसिपी अपलोड थी वी। आज की जो हम रेसिपी बना रहे हैं ईवा कुकिंग ऑयल के साथ, बेहतरीन कुकिंग ऑयल हर जगह अवेलेबल है, ईवा सनफ्लावर, ईवा कनोला कुकिंग ऑयल, ईवा बनस्पति, विटामिन ए और डी से भरपूर, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है, आपकी हार्ट डिजीज के लिए बहुत बेहतरीन है क्योंकि इसमें ओमेगा 3 मौजूद है, और नई पैकिंग में इजीली ये पाउच इसकी मिलती है, आप ले सकती हैं। मलका फूड हमारे साथ है, मलका फूड की तमाम बेहतरीन वसी रेंज है हमारे पास रेसिपीज़ की, आप लें, और ये यूरोप कंट्रीज़ में काफ़ी ज़्यादा फेमस है, तो यहाँ पे हमारे पास है, आप यूज़ करें। आज की जो मैं रेसिपी बना रहा हूँ मंदी, मंदी की रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त है, कराची में बहुत ज़्यादा इनके आजकल फूड की खुली हुई है शॉप्स, तो आपको इजी वे में चिकन में बनाना सिखा रहा हूँ, मटन में बनाना चाहे तो मटन में रेसिपी लेंथी है, तो इसलिए आज एक रेसिपी बना रहा हूँ, सुबह 12 बजे रिपीट चलेगा, और शायद लाइन में प्रॉब्लम हो सकता है, आपकी कॉल्स ना ले सके, तो मैं लाइव हूँ आपके साथ, जो भी बात करनी हो आप मैसेज करके मुझे फेसबुक पर भी कर सकते हैं, ठीक है, तो फेसबुक पर भी तुम मैसेज कर सको था, बाकी अज थी सके तो ताजी कॉल्स ना वी सकूँ, छे लाइन में थोड़ी प्रॉब्लम आए, अगर सही थी वही तो कॉल वी, बाकी यो ना समझो कि मैं लाइव ना अज मैं लाइव आया, ठीक है। मंदी में चाहम चिकन में चावर की क्वान्टिटी में रखी है अध किलो के करीब, ठीक है, या उनका घट भी रखी सको था, चार कप जितना चावर खाया है, इनके तुम पिसाई छो पानी में 15-20 मिनट पेरी, ठीक है। इतने सभी का पे कहता चिकन में लेग पीस में यूज़ किया पो, ठीक है, चिकन जो है मैं लेग पीस में यूज़ कदम, चिकन में लेग पीस में यूज़ कर रहा हूँ। आप टिक्के स्टाइल में चिकन बना सकती हैं, आप फुल होल चिकन भी बनवा सकती हैं, लेकिन मैंने कटिंग करवा दी है, 3 अदद टिक्के हैं, ठीक है, ये इसको 6 पीस भी आप लोग करवा सकते हैं, ठीक है, ये हमने रख लिए टिक्के, ठीक है, और इसको हमने करना है मैरिनेट। मैरिनेशन के लिए उससे पहले हमने इसमें कट्स लगवा देने, अगर आपने मटन में बनानी है तो मटन का तरीका मैं आपको वर्बली बता दूंगा, ठीक है, उसके पूरे लेग पीस होती है मटन की, वो आप बना सकती है 1 किलो तक की, इसका वज़न है 750 ग्राम के करीब होगा, 3 पाव के करीब, ठीक है। बकरे की रान में या बकरे की गोश्त में ठाईंद तदे भी वो कट लगंदा उनमें हल्का हल्का, जी असा बारबिक्यू ला कट हणंदा साबित या वा पीसिस के छो, इतने रान जहा पीस है तुम सीने जो भी पीस खी सो था, इनके मैं ओवन में बेक कदम, इनके तुम स्टीमर में भी ठाई सो था, ठीक है, मैं इसको ओवन में बेक करूँगा, ओवन का टेम्परेचर मैं आपको बता दूंगा। मसाला सबसे पहले इसका क्या बनेगा,
मंदी मसाला। मंदी मसाला मैं आपको बताता हूँ, दो घूंट पानी पी लो, हलक बहुत खुश्क हो रहा है। मंदी मसाला हिन लाइ असांखे ग्राइंडर खपे, ठीक है। ग्राइंडर में मसाला सब वही हुंदा जेके असां घर में यूज़ कंदा आहियूं, ठीक है। मसाले हम वही यूज़ करेंगे जो हमारे रोज़मर्रा घर में इस्तेमाल होते हैं। अरबिक खानों में भी कुछ मसाले ऐसे होते हैं जो हमारे घर के होते हैं, ठीक है। तो मसालों के लिए हमें क्या क्या चाहिए, ठीक है। मसाले जो असांखे छा खपे, साबित कारा मिर्च, साबित काली मिर्च कितनी, एक चाय का चम्मच साबित कारा मिर्च, एक चाय जो चमचो। और ये मसाला इसकी चटनी में भी जाएगा, तो इसकी क्वांटिटी आपने लिख लेनी है। एक चाय का चम्मच हमने ले लिया साबित काली मिर्च, एक चाय का चम्मच मैं इसमें भर के डालूंगा सफ़ेद ज़ीरा, एक चाय जो चमचो विजंदासी अछो ज़ीरो, एक चाय जो चमचो साबित कारा मिर्च, साबित धाणा एक चाय जो चमचो, एक चाय का चम्मच भर के डालेंगे साबित धनिया, एक चाय का चम्मच भर के डालेंगे साबित ज़ीरा, एक चाय का चम्मच साबित काली मिर्च, ठीक है। इसके बाद हम लेंगे लौंग, लौंग असां इनमें घणा विझंदासीं, 6-8 अदद लौंग, 8 अदद लौंग ले लेंगे, ठीक है। ज़्यादा होनी चाहिए, लौंग की इसमें खुशबू आती, 8 अदद हमने लौंग ले ली, ठीक है। लौंग, बड़ी इलायची 2 अदद, वडा फोटा 2 अदद विझंदासीं, ठीक है। बड़ी इलायची 2 अदद, ठीक है। इसके बाद हम डालेंगे इसमें छोटी इलायची, कितनी डाल रहा हूँ, 8 अदद, नंडा फोटा नंडी इलायची, नंडा फोटा जो हूँ ये 8 अदद, वडा फोटा जो कारा वारा हूँ वो 2 अदद, ठीक है। दार चीनी जो वड्यू डंडियो खड़ी वो इतने मोट दार चीनी जो स्टिक्स नंडियो आन तो यह 1 टेबल स्पून जितनी होंगी, ठीक है। 2 बड़ी दार चीनी की स्टिक ले लें, छोटी हैं तो 5 से 6 ले लें। इसके बाद इसमें जाएगा 1 अदद तेज पत्ता हाथ से तोड़ के, 1 अदद तेज पत्तो ही मंदी मसालो है, ठीक है। अरबिक खादन में विजबो है मंदी में खासकर, ये हमने 1 अदद तेज पत्ता बड़ा वाला तोड़ के हमने इसमें डाल देना, ठीक है। इसके बाद डालेंगे जायफल जावित्री, इसका जायफल का 1/2 पीस जाएगा, ऊपर का शेल हटा हुआ है, ठीक है, ऊपर का शेल हटा हुआ है, इसको 1/2 पीस डालेंगे। छालिया की तरह ये निकलता है, ठीक है, ऊपर का छिलका हट जाएगा शेल हटाने के बाद, ये छालिया की तरह निकलता है, इसका हमने डाल देना 1/2 पीस, 1/2 पीस यो विझंदासीं जावित्री, विझंदासीं हेतिरी 1 चाय जे चमचे का थोड़ी घट, ठीक है। जावित्री जायफल 1/2 टीस्पून आपने दोनों डाल दिया, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इस मसाले को ग्राइंड करना है, चंगी तरह इनके मसाले के ग्राइंड करना थी। पाउडर फॉर्म में बनना चाहिए, और अगर इसमें कोई छिलका आ रहा है छोटी इलायची का बड़ी इलायची का तो वो आपने हाथ से निकाल देना। अगेन इसको पीसते हैं, ठीक है। रेसिपी अगेन रिपीट कराता जाऊंगा, बार बार मंदी बना रहे हैं, ठीक है। मंदी के लिए आपने मसाला लेना है 1 किलो चिकन, 1 किलो गोश्त, 1 किलो बकरे का गोश्त या बीफ का गोश्त, वैसे ही बकरे में बनती है, दुम्बे के गोश्त में बनती है, उस क्वांटिटी का ये मसाला है। और इसमें से 1/2 टीस्पून जितना मसाला इसकी चटनी में जाएगा, तो वो अलग से हमने बचा के रखना है, ठीक है। थी वो सजो मसालो इनके अंदर, और उसके बाद क्या करेंगे, इसमें से 1/2 टीस्पून मसाला चटनी के लिए अलग कर देना, जो इसकी चटनी स्पेशल एक बनती है उसमें भी ये मसाला जाता है, ठीक है। ये एक प्याली में 1/2 टीस्पून मसाला, मंदी मसाला मैंने निकाल लिया, ठीक है, चटनी के लिए 1/2 चाय जो चमचे जितना मसालो मोहता कटी चटनी ला रखियो, वरी रिपीट कराया पियो ताकि का शे समझ ना आचे। इनमें सोंठ भी विंदी, अदरक जो पाउडर, जिंजर पाउडर, सोंठ जिसे कहते हैं, ये इसमें चला जाएगा 1/2 टीस्पून अदरक का पाउडर, ठीक है। इसके बाद हम इसमें डालेंगे लेमन का जूस, रेसिपी गट गट रिपीट कराया पियो, इनमें अच्छा अच्छा विधो है, अच्छा लूण, सॉरी लूण इनमें विंदो 1/2 चाय जे चमचे का थोड़ो घट हंसपे सब, नमक भी जाएगा 1/2 टीस्पून जितना थोड़ा। और इसके बाद इसमें क्या मिलाएंगे, देगी लाल मिर्च या कश्मीरी लाल मिर्च फीकी होती है, या पेपरिका पाउडर, ठीक है। वैसे तो पेपरिका पाउडर यूज़ होता है डब्बे वाला, अगर वो नहीं है तो देगी लाल मिर्च फीकी होती है, कलर आता है इसमें, या फिर आपने डाल देना है कश्मीरी लाल मिर्च, जो भी आप कहें इसे, ठीक है। ये हम इसमें डाल देंगे 1 चाय का चम्मच।
देगी गाढ़ा मिर्च फिका हों या कश्मीरी गाढ़ो मिर्च फिको हों या पेपरिका पाउडर मिल दबे में टी 40-50 रुपये मिल उन का भी शय में मिले छो एक चाय जो चमचो लूण अध चाय जो चमचो इनके मिलाने का पो अदरक जो पाउडर इनमें हली अध चाय जो चमचो इतने ब वा लीमा खड़ा इनजो इनके अंदर लीमे जो रस विजासी ठीक है। लेमन जूस इसमें जाएगा 3 टेबल स्पून से 4 टेबल स्पून जितना इसके बीच निकाल के रेसिपी रिपीट करा रहा हूँ। इसका मसाला जो मंदी का बन रहा है ठीक है, लाइट सॉरी टेलीफोन लाइन में थोड़ी प्रॉब्लम है इसलिए आप लोग की लाइन ना ले सकें कॉल, तो आप मैं लाइव हूँ आपके साथ, तो आप लोग सुबह रिपीट में भी देख लीजिएगा कोई चीज़ समझ ना रही हो। कुकिंग विद शेफ ऐसा मेरा पेज है फेसबुक पे, आप वहाँ मैसेज करके फिर मुझे कोई भी इंशाल्लाह कोई भी अपनी चीज़ बनवानी है तो मुझे मैसेज करके बताइएगा, मैं रात में चेक कर लूँगा ठीक है। अच्छा, इसके लिए हमने क्या लेना है, सफ़ेद ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, साबित धनिया 1 चाय का चम्मच, साबित काली मिर्च 1 चाय का चम्मच ठीक है। सफ़ेद ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, साबित धनिया 1 चाय का चम्मच, साबित काली मिर्च 1 चाय का चम्मच। उसके बाद आपने लेना है इसमें जायफल जावित्री 1 चाय का चम्मच, दोनों मिला के ले लेना है। लौंग आपने 6 से 8 अदर डाल देनी है ठीक है। उसके बाद आपने इसमें डाल देना है तेज़पत्ता, तेज़पत्ता आपने इसमें कितना डालना है 1 बड़ा तेज़पत्ता। दालचीनी की स्टिक आपने डाल देनी है 2 बड़ी वाली तोड़ के, 2 अदद बड़ी इलायची, 8 अदद छोटी इलायची डालेंगे ठीक है। ये सब मसाले आपने ब्लेंडर में डाल के पीस लेना है बिल्कुल बारीक पाउडर फॉर्म में। फिर अदरक का पाउडर 1/2 टीस्पून से थोड़ा ज़्यादा या 1/2 टीस्पून भर के डालें, पेपरिका पाउडर या कश्मीरी लाल मिर्च या देगी लाल मिर्च तीनों में से जो भी मिल जाए फीकी होती कलर देने के लिए वो 1 चाय का चम्मच, नमक 1/2 चाय का चम्मच और लेमन जूस मैंने इसमें अभी 1 बड़ा लेमन डाला है, 1 लेमन में इसमें और डालूंगा ठीक है, बल्कि 1/2 लेमन और डालूँ ठीक है। वरी रेसिपी रिपीट कराया पो मंदी मसालो जो असा चिकन के मथा हणंदी मंदी जो मसालो है इनमें मछावितो है, इनमें कारा मिर्च साबित 1 चाय जो चमचो तब तक 15 का 18 धाणा ठही वा 20 धाणा ठीक है। 1 चाय जो चमचो अछो जीरो, 1 चाय जो चमचो साबित धाणा ठीक है। उन वड़ा फोटा 2 अदद, नंढा फोटा 8 अदद, 8 का 10 भी करे सको था, लौंग 6 का 8 अदद करे वठजो, जायफल जावित्री 1 चाय जो चमचो बई शयूं मिलाए विझजो ठीक है। आई तेज पत्तो जो हों वो तुम में केतो विझो 1 वो हथ से भोरे के अंदर मिक्स कर छो, इन सब मसालन के पीसे छो, पाउडर फॉर्म में पीसे प्याले में कटी वो तुम विझो अदरक जो पाउडर सूंड जो चबो वो 1/2 चाय जो चमचो भरे विझो, गाढ़ा मिर्च जन उड़ा विझना कश्मीरी गाढ़ा मिर्च फिका हों या देगी गाढ़ा मिर्च या पेपरिका पाउडर लिखी छो, पेपरिका पाउडर दबे में तो खुला मिल फिका हों कलर यो विझो, लूण 1/2 चाय जो चमचो विधो इन मसाले के चंगी तरह लीमे जो रस 4 खाने जा चमचा विझी यो मसालो मैं सजो मिक्स कर छो ठीक है। हाँ कहसी जो चिकन जहाँ पीसिस इनके अस यो मसालो लगे ठीक है, चिकन के पीसेस को हम ये मसाला लगाएंगे ठीक है। ग्लव्स पहन लें, इस तरह के डिस्पोजेबल मिलते हैं, ये नहीं है तो फिर हाथ पे थैली शॉपर चढ़ा के या अच्छी तरह हैंड वॉश बाद में कर सकती हैं, कलर ना आए हाथ जले ना आपके, मसाला भी नेल्स वगैरह में ना जाए ठीक है। इसके बाद हमने क्या करना है, चिकन को ये मसाला लगाना है, ये मसाला अच्छी तरह पूरे चिकन को आपने लगाना है इसके कट्स में भी ठीक है। चिकन के चंगी तरह ये मसालों रब कर दो मथा, अच्छी तरह रब करना है। फर्स्ट ऑप्शन ये है कि हम इसे बेक करेंगे ठीक है, प्री हीट करके ओवन को 15 मिनट पहले आपने ओवन को गर्म करना है, प्री हीट करना है ठीक है। उसके बाद आपने इसको 180 डिग्री पे प्री हीट करके आपने इसको बेक करना है, 25 से 30 मिनट में ही आ जाएगा कलर। सेकंड ऑप्शन क्या है, पतीले में इस पानी डालें थोड़ा सा 1 गिलास जितना, ऊपर से स्टीमर रखें, इस तरह के स्टीमर मिल जाते हैं ये, नहीं तो छन्नी होती है घर में वो रख दें ठीक है अंदर, लेकिन गैप आना चाहिए, पानी 1.5 इंच नीचे होना चाहिए। फिर आपने इसमें चिकन रखनी है अंदर और ऊपर से कवर पतीले को दे दें, स्टीमर में भी ये बन जाएगी 20 मिनट में ठीक है, स्टीम हो जाएगी। स्टीमर है वारा मिली वेंदा इन मार्केट में, सस्ता मिलंदा है 150 प्राइस इनके बुधाइंदा ताकि तक खबर हुजण खपे, अड़ा स्टीमर न मिलन, छाणी घर में होंगी अटे छाण वाली अड़ी छाणी होंगे स्टील जो वो तुम रखी सको था, पतीले में पानी विझो 1 गिलास वे पतीले में, वरी वटी रखी छो हेठा ताकि गैप अची वन जो मथा ही रखो ताकि पानी इनके टच ना करे, पानी हेठ हुए 1 इंच जितो पानी हुजन खपे, पानी बॉयल थो अंदर चिकन रखी पानी का परे हुए चिकन मथे हुए इनमें पतीले मथा ढेकड़े के मथा ढक दई छो 20-25 मिनट में इनमें स्टीम अची वी चिकन तैयार थी वी वो अग्नि जो प्रोसेस तक बुधा तो कि असो ठीक है। अच्छी तरह पूरी चिकन को आपने मसाला लगा देना है
मसाला लगाने के बाद, अच्छा ओवन में अगर प्री हीट का यहाँ पे ओवन आए तो माइक्रोवेव ओवन बेकिंग वगैरह भी हुंदा है या जो हेठ चूल्हे जो हेठ हुंदा है ओवन लगल हुंदा है वो कुकिंग रेंज जी चाहबो है तो उनके तुम 180 का 200 डिग्री से तुम गर्म कंदो पहले प्री हीट कंदो उनका पो तुम बेक कंदो वो इनका पो असन के चावरन के मथा रखंदा सी स्टीम ते दम ते वो सजो प्रोसेस बताए तो जा राइस एडा मजेदार की ठंदा है ए मंदी रेसिपी तमाम बेहतरीन इंशाल्लाह चाइनीज से स्टार्ट कंदा सी एक बडन में तो चाइनीज जो पूरा वीक एक का ब वीक कंदा सी उनमें काफी सारा सूप्स एंड काफी सारी वैरायटी हाने सियारो अचन लगी हुआ है काफ़ी जगहों पे सर्दी अच्छी हुई है ठीक है बहुत जगहों पे अब सर्दी आना शुरू हो गई इंटीरियर में सिंध में भी अब आ गई और पंजाब साइड पे तो आ ही चुकी है तो इंशाल्लाह अभी खाने जो हैं सूप्स वगैरह एक दो दिन में स्टार्ट करते हैं फिर दो वीक तक इसको मैं शायद कल से या परसों से स्टार्ट कर लेंगे ठीक है। अब ये सारा हमने कर लिया मसाला लगा दिया ठीक है। मसालों लगाने का पोमा छा कदम ऑयल हिनी प्याली में ईवा कनोला कुकिंग ऑयल ये पाउच देख रहे हैं इसमें ये मिल जाता है इस तरह का आप इसका कवर लगा दें। ईवा कनोला कुकिंग ऑयल एक टेबल स्पून खयो हिं ही हथ से इनके असा मथा ऑयल हल्को हल्को लेप कर छो ठीक है हल्का सा ऑयल इसके ऊपर इस तरह लेप कर देना है ठीक है। और ब्रेक का टाइम आ रहा है ब्रेक से वनू था ब्रेक से वन का पहले मैं कम कदम ये अली भाई मैं दिखा दूँ ग्रिल होती है ओवन में ग्रिल होती है नीचे ट्रे के ऊपर ये ग्रिल रखते हैं ठीक है। इसको हम इसके ऊपर रख रहे हैं और इसको मैं बेकिंग के लिए ओवन में रख रहा हूँ सेंटर में रखना है अप डाउन पूरा दोनों साइड से आपने ओवन को कर देना ठीक है। ग्रिल में रखी आई ब्रेक से वन का पेरी मैं इनके सेंटर में रखा तो ओवन मुझे प्री हीट थे है ठीक है। ये सेंटर में अपने सर लगाना है सेंटर में लगा दें और इसको अब आप भूल जाएं 20 से 25 मिनट बाद हम इसे चेक करेंगे ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि कितना बेक हुआ है फिर उसके बाद क्या होता है ब्रेक पे जाते हैं ठीक है। अगली शॉर्ट ब्रेक करते हैं तो ब्रेक का पूछिए रेसिपी कंटिन्यू करना से वेलकम बैक नाज़िम ब्रेक तो का पहले तीन सामू जो मैं मंदी ठाया पो मंदी तमाम बेहतरीन अरबिक रेसिपी है जो असाया पा ईवा कुकिंग ऑयल से अगर वाइटमिन ए डी का भरपूर कोलेस्ट्रॉल के कंदुआ कंट्रोल ओमेगा 3 में मौजूद है तमाम सुठी पैकिंग में दस्तियाब है ईवा सनफ्लावर कुकिंग ऑयल ईवा कनोला कुकिंग ऑयल उन ईवा जो ऑयल घी है बनस्पति हाँ सियारो अचे पे उनमें अस पराठा ठाईंदा उन मिठा ठादा हलवा ठादा काफ़ी सारी शूं मैं लड्डू ठाण सिखाया था ईवा बनस्पति घी जो इस्तेमाल हाँ रखो तमाम सुठो है आई नई पैकिंग में तक मिली वो उनको अस प्रोडक्ट है मलका फूड है इनकी तमाम घनी वसी रेंज है रेसिपीज की जो तुम वी सोता क्विक रेसिपीज इन दबे के पुठिया लिखल है सारी दुनिया में मशहूर है पाकिस्तान के अलावा ऑस्ट्रेलिया में अमेरिका में हर जगह इन ब्रांड तमाम फेमस है ये तुम वी सोता अजोकी जो रेसिपी में ठाई है मंदी वो उनमें अस ईवा सनफ्लावर कुकिंग ऑयल ईवा बनस्पति ये सब इस्तेमाल तुम बनस्पति घी में भी ठाई सोता ठीक है। जो चिकन के मसालो लगे रखो मैं प्री हीटेड ओवन में रखी छोड़ो ठीक है। अगर तुम ओवन ना है तो कौ पतीले में वरी बुधाई तो छा पतीले में एक गिलास पानी विचो वे खुले पतीले में उनका स्टील जो पतीले में वटी या प्याली रखी छो उबुदी कर उनके मथा छानी कोई भी हुए स्टील जो उनके अंदर चिकन रखी अंदर रखो मथा कवर कजो लेकिन इन शे जो ख्याल रखो कि चिकन में स्टीमर में आई ना पानी में गैप हुए ताकि पानी बॉयल थो तो मथा लगे ना दरमियानी आँच से पानी बॉयल थो रो स्टीम ठहंदी रही है वो तैयार थी वी ठीक है बिल्कुल ईजी तरीके से ठंडी न तो ओवन में कर सोता थर्ड ऑप्शन यो है कि तक फ्राइंग पैन में भी तरे सोता हल्को सो बनस्पति घी गरम कजो ब खाण जो चमचा गरम करण का फ्राइंग पैन में इनके रखी छोड़ो मतलब फ्राइंग पैन में अगर कौ फ्राई कौ तो इनके तुम 4-6 कलाक तक मैरिनेट कर रखो जो चिकन की हड्डी होंगी वो गरंदी ना इतनी जल्दी अंदर रत रेजी वो कच्चोपन हों जो तिक्का भी अस मार्केट में खाई अक्सर कच्चा रेजी वह जल्दबाजी में मैरिनेट कह 6-8 कलाक
रखी छो मैरिनेट करे वो तक फ्राई कौ ती गरी वी फौरन ठीक है। अगर फौरन तुम चिकन के फ्राई कौ सिर्फ सीने जो पीस अड़ो हों चिकन जो जो फ्राई कर कच्चो न तो रहे लेग पीस ये पर जो हों विंग्स हूँ ये हमेशा कच्चा रहता तो इन शो ख्याल रखो ठीक है। टई तरीका मैं तुम्हें बताई छड़ा तीनों तरीके मैंने बता दिए एक तो हमने ओवन में कर दिया है ठीक है कुकिंग रेंज है उसमें कर दें ओवन में कर दें बेक कर दें या आपके पास माइक्रोवेव ओवन है जैसे मेरे फुटाइल का है माइक्रोवेव ओवन बेस्ट ओवन है इस ये माइक्रोवेव इसमें भी बेकिंग होती है बहुत सारे आप लोग के पास होंगे उसमें भी होती है। एक तरीका ये है सेकेंड ऑप्शन ये था कि आप बड़े पतीले में एक ग्लास पानी डाल दें ऊपर आपने कोई स्टील का ऐसा प्याला रख दें उसके बाद कोई स्टीमर या छलनी रख दें लेकिन मेरे पास जो ये स्टीमर है ये दोबारा दिखाऊंगा कि इस तरह की स्टीमर कराची में तो हर जगह ये जो बर्तन वाली स्टील के बर्तन की शॉप है ये गुल सेंटर वगैरह में इधर मिल जाते हैं। इसके बैक पे आप देखेंगे इस तरह के ये लगे होते हैं स्टैंड है ठीक है और ये फ्लावर स्टाइल में ना मिले तो सिंपल भी मिल जाता है नीचे स्टैंड होता है ये स्टैंड इसलिए कि इसमें गैप आ रहा है ठीक है स्टैंड इन करे आई गैप आए तो ये तो वी सको इस तरह का स्टैंड ना है नहीं है तो फिर आप उस तरह बना लें छन्नी में रख के। सेकेंड ऑप्शन फर्स्ट ये था सेकेंड ये स्टीमर वाला थर्ड ये कि आप अगर फ्राई करना चाहती हैं फ्राइंग पैन में कोई ऑप्शन नहीं तो फिर आपने 6 से 8 घंटे चिकन को मैरिनेट करना ताकि अंदर तक वो कच्चापन ना रहे बाद में ये ना ऊपर से चिकन बन गई अंदर से आप काट रही हैं तो कच्ची निकले। अब हमने क्या करना है अब हमने राइस बनाने मंदी के राइस किस तरह बनते हैं मंदी जो चावर कें ठाना इन असा केतरो ऑयल खणंदासीं ईवा जो ऑयल खणंदासीं मोटा है कनोला कुकिंग ऑयल ईवा कनोला कुकिंग ऑयल इनकी तुम ही पैकिंग दिसो पे मथा इनकी नोजल लगल है इतना का तुम खोले अद प्याली यानी इनमें असं विझासी 5 खाने जहा चमचा 5 टेबल स्पून बहुत ज़्यादा हमने ऑयल नहीं डालना है ठीक है 5 टेबल स्पून ऑयल गरम करना है ईवा कनोला कुकिंग ऑयल ठीक है। और ये गरम करने के बाद सबसे पहले हमने इसमें डालने हैं गरम मसाले ठीक है सभी का पहले साइन में विझासी गरम मसाला। अच्छा गरम मसाले में मेरे पास क्या क्या है छा विझासी तेज पत्ता वड्डो आए तो एक नंढा इन तब ठीक है तेज पत्ते बड़े हैं बड़ा है तो एक डालिएगा छोटे हैं तो दो ठीक है तेज पत्ता दार चीनी की 2 स्टिक्स हैं छोटी बड़ी है तो एक डाल दें दार चीनी जी एक डंडी वड्डा फोटा ब अदद छोटी इलायची 2 अदद ठीक है। उसके बाद हमने सॉरी बड़ी इलायची 2 अदद छोटी इलायची 4 अदद वड्डा फोटा ब अदद नंढा फोटा 4 अदद लौंग 4 अदद कारा मिर्च साबित 10 का 15 दाना ठीक है 10 से 15 दाने आपने इसमें डाल देनी है काली मिर्च साबित 1 स्टिक आपने दालचीनी की डाल देनी है बड़ी उसके बाद आपने इसमें डाल देनी है बड़ी इलायची 2 छोटी इलायची 4 लौंग 4 अदद और उसके साथ तेज पत्ता आपने 1 अदद डाल देना है ठीक है। ईजी है रेसिपी कोई इसमें मुश्किल नहीं है इसको हल्का सा सौते करना है ताकि अरोमा निकल के आए इसका अच्छा सा ठीक है। राइस में 5 खाने जहा चमचा सनफ्लावर ईवा कनोला कुकिंग ऑयल गरम कयो उनमें मां छावे दो 2 वड़ा फोटा 4 का 6 नंढा फोटा 4 अदद लौंग ठीक है। इनके अलावा मैं इनमें तेज पत्तो 1 अदद विधो दार चीनी 1 डंडी विधी है इनको दाग टाइप जद इनकी खुशबू अचान लगंदी एक दरमियाने साइज जो नंढो बसर ऑमलेट वगैर चॉप कर इनमें विझंदी ठीक है। बड़ी इलायची 2 छोटी इलायची 4 से 6 अदद दार चीनी की 1 स्टिक लौंग 4 अदद ठीक है तेज पत्ता 1 अदद साबित काली मिर्च आपने 10 से 12 या 15 दाने डाल देने अरोमा निकलेगा उसकी खुशबू आ जाएगी। उसके बाद एक दरमियाने साइज़ का छोटा प्याज बहुत छोटा ना दरमियाने 1/2 कप जितना या उससे थोड़ा ज़्यादा ऑमलेट की तरह चॉप करके आपने इसमें प्याज डाल देना ठीक है। प्याज डालेंगी तो प्याज की इसमें खुशबू आने लगी प्याज को लाइट गोल्डन फ्राई करना है बहुत ज़्यादा डार्क फ्राई नहीं करना है ठीक है। बसर के हल्को गुलाबी गोल्डन कलर में फ्राई करनासी हुन का पोसन में छा विझंदासीं अदरक थूम जो पेस्ट ठीक है। फिर इसके बाद डालेंगे इसमें हम 2 चाय के चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट प्याज हल्का सा कलर दे देगा गोल्डन फिर उसमें हम डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 2 चाय के चम्मच 1 तो प्याज को बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना ठीक है। 2 चाय के चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट चला गया इसको हमने थोड़ा सौते करना है पकने देंगे जब आप देखेंगी प्याज का कलर हो गया चेंज लाइट गोल्डन फ्राई ठीक है। ये पचंदो इनका पो इनके अंदर छा विंदो इनके अंदर विझंदासी गजर आई हाँ लीमो सॉरी लीमो विझण भुलजो 1 अदद लेमन वैसे इसमें ड्राई लेमन डलता है सूखा लेमन मिलता है ड्राई लेमन या सुखा दे घर में ड्राई हो जाता है ठीक है। 1 अदद लेमन
ये बड़ा था तो मैंने इसका हाफ कर दिया, वरना बीच से दो करके वो भी डाले जाते हैं या तोड़ के एक उस पर चोट मार के ताकि वो टूट जाए। मैं इसमें साबित हाफ लेमन डाल रहा हूँ, ठीक है, अद लीमो इंजे अंदर मूवी जी छड़ी हुआ। लेमन से इसमें फ्लेवर आएगा, लेमन जूस नहीं डालना है, ठीक है, ये अपना अरोमा और अपना फ्लेवर खुद देगा। इस रेसिपी में जो लेमन यूज़ होता है, सूखा लेमन यूज़ होता है, वो मिलता है मार्केट में, आपको मिल जाएगा मसाले की शॉप पे, नहीं तो लेमन को ड्राई करके रख लें। आपको अगर शौक है, आप इस तरह के खाने खाते हैं, मंदी बनाते हैं, तो फिर 6-7 लेमन ड्राई कर लें, धूप में रख दें, खुश्क हो जाएंगे, बिल्कुल ड्राई हो जाएंगे, फिर उसको आप फ्रिज में रख दें, ठीक है। जब आपने बनाना है फिर उसको एक हल्की सी चोट मारें कोई चीज़ से, बेलन से या इमाम दस्ते में, खुल जाएगा तो फट सा जाएगा, वो आपने डाल देना, इसका लेमन का जूस नहीं डालेगा, बस इसका अपना अरोमा आएगा। तो मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं था तो मैंने क्या किया, हाफ लेमन डाल दिया इसके अंदर, हाँ, लेकिन लेमन छोटा होना चाहिए, बहुत बड़ा नहीं, ठीक है, हाफ लेमन मैंने डाला। अब इसको लेमन इसमें पकता रहेगा, अब हमने इसमें डाल देना है गाजर, एक अदद गाजर, एक कप जितना ऑमलेट की तरह चॉप करके, ठीक है, गाजर एक अदद ऑमलेट वांगर चॉप करे विजी छड़ियो है, हल्की बाहें कर छो ताकि बसर सड़े ना। लेमन भी इसमें पक रहा है, हाफ लेमन है, ठीक है, अगर ड्राई नहीं है तो इस तरह हाफ लेमन डाल दें, मोटा वाला, छोटा बिल्कुल चाइना वाला नहीं डालिएगा, ठीक है। इसके बाद हरी मिर्चें इसमें जाएंगी चॉप की हुई 2 अदद, क्योंकि इसमें सिर्फ हरी मिर्चों का फ्लेवर है या काली मिर्चें साबित हैं, तो इसलिए हरी मिर्चें 2 अदद चॉप करके डाल रहा हूँ। तेज़ वाली हैं तो 2 डालें, फीकी हैं तो 4 भी डाल सकती हैं, ठीक है। सावा मिर्च 1/3 अदद, बारीक कटिंग का विझना से, इनमें सिर्फ साई मिर्चन जो फ्लेवर इंदो, आई कारा मिर्च पीठल भी ना विझबा, इनमें कुछ भी अड़ी शे ना विझबी, तो ये बिल्कुल अरबिक जेकर रेसिपीज होती है, इनमें मिर्चन जो इस्तेमाल ना होती है, ठीक है। ये डालने के बाद हल्का सा सौते करें, मिर्चों की खुशबू आ रही। अब मैं इसमें डालूंगा कैप्सिकम, 1 अदद शिमला मिर्च ऑमलेट की तरह चॉप किया हुआ, 1 अदद शिमला मिर्च ऑमलेट वगैरह चॉप कर, ठीक है, 1 अदद शिमला मिर्च डाल दिया, ऑमलेट की तरह चॉप किया, हल्का सा ये सौते हो जाएगा। अब 1/2 कप इसमें जाएगा किशमिश, 1/2 कप विंदा किशमिश, ठीक है, 1/2 कप किशमिश डाल दिया। मैं यहाँ पे चेक करता हूँ, चिकन हमारी डन हो रही है, टेम्परेचर थोड़ा डाउन कर रहा हूँ, मैंने प्रोग्राम की वजह से 200 पे ले गया था, वरना अब मैंने 180 कर दिया, ठीक है, अब मैंने इसको 180 कर दिया, पहले मैंने 200 पे ले गया था इसको ताकि जल्दी हो जाए। हरी मिर्चों का बहुत अच्छा इसमें अरोमा आ रहा है, लेमन का भी इसमें फ्लेवर आ रहा है, खुशबू आ रही, क्योंकि लेमन ऑयल में पक रहा है, ठीक है। हे तैयार थे पियो, आई हाणे छा कंदासी, हाणे असा इनमें विझंदासी चावर, ठीक है, चावल 15 मिनट पहले भिगो के आपने रख देने बासमती, और अगर सेला चावल यूज़ करेंगी तो सेला चावल को आपने 2-3 घंटे भिगोना है, अच्छा वाला सेला चावल, क्योंकि हमने इसको फिर पानी के साथ यहाँ पे पकाना है चावल को पुलाव की तरह, ठीक है। हाणे छाइन में चावर विंदा, बस ही तैयार थी वह चावर, पानी में धोता लाइन 2 दफ़ा उनका पो ही चावर भी छड़िया, पानी एतरो होजन खपे कि चावरन खाए पानी 1 इंच मथे हो जाए वधीक ना, चावल से पानी 1 इंच ऊपर होना चाहिए, ज़्यादा नहीं, ठीक है। अच्छी तरह इसको मिक्स करें, 1 इंच चावल से पानी ऊपर होगा। अब चूल्हा मैं तेज़ करूँगा, थोड़ा इसमें पानी जाएगा, ठीक है। लेमन भी इसके अंदर है, साबित मसाले भी इसके अंदर हैं, पानी हम इतना यूज़ करेंगे कि 1 इंच पानी इससे ऊपर हो, ठीक है, 1 इंच पानी इनका मते थी वो। अब इसको हमने बॉयल होने देना, इसमें बॉयलिंग आएगी, जब इसमें बॉयलिंग आएगी, जब ये बिल्कुल पानी ड्राई होने लगेगा, तो फिर मैं क्या करूँगा, इसके ऊपर डालूँगा पेपरिका पाउडर, ज़ाफ़रान हो तो ज़ाफ़रान थोड़े से पानी में डिप कर दें, ज़ाफ़रान नहीं है तो फिर क्या करें कि आप कलर देने के, ज़ाफ़रान से भी कलर आ जाता है, नहीं तो फिर आप क्या करें कि जर्दे का रंग थोड़ा सा लें, 2 पिंच जितना, ठीक है, 1/4 टीस्पून से कम, वो थोड़ा सा केवड़ा वाटर में मिक्स करके वो आप डालेंगी इसके ऊपर, ठीक है। यो तरीके कार माता ने बुधाई छड़ी है कि इन जो छा तरीको है इनके मिक्स करें तो वरी अगेन ताकि जो पानी ड्राई थे लगे, ठीक है। ज़ाफ़रान आए था तो अभी डालूंगा, ज़ाफ़रान आए तो इनमें असा विझंदी ज़ाफ़रान थोड़ो अद चाय के चमचे का घट पानी में मिक्स करे वो विझंदी आखिर में, अगर वो ना जर्दे जो रंग बिल्कुल अद चाय के चमचे का भी अद खणंदी 2-3 पिंच 1 चाय जो चमचो केवड़ा वाटर में तुम विझंदी हाँ असा इनमें विझंदी लूण 1/2 किलो जो चावर के हिसाब से तुम्हें 1.5-1.5 टेबल स्पून तुम्हें लूण विझंदो, ठीक है। 1.5 टेबल स्पून आपने इसमें सॉल्ट डाल देना है 1/2 kg के हिसाब से, ठीक है,
और अगर 1 kg बना रहे हैं तो 3 टेबल स्पून आपने सॉल्ट डालना है, ठीक है? क्योंकि हम जो मेजरमेंट रखते हैं नमक, अक्सर क्या होता है ख़वातीन से कम ज़्यादा हो जाता है, ख़ासकर बिरयानी में, पुलाव में, तो हमेशा ये मेजरमेंट रखें, कभी भी नमक कम ज़्यादा नहीं होगा। एक किलो चावल में 3 खाने के चम्मच नमक, आधा किलो चावल में 1.5 खाने का चम्मच, टेबल स्पून से नाप के डालें, कभी भी आपका नमक कम ज़्यादा नहीं होगा। और अगर ज़्यादा बिरयानी बनानी है तो फिर 3-3 किलो के हिसाब से 3-3 चम्मच आपने बढ़ाने, 2 किलो बिरयानी तो 6 खाने के चम्मच नमक होना चाहिए, ठीक है? वो ज़्यादा नहीं होता, बिल्कुल बैलेंस करता है, चावल फीका होता है वो उसको सब करता है। अच्छा, इसके बाद जब इसका ऊपर ड्राइनेस आ जाएगी, फिर हम इसके ऊपर डालेंगे पेपरिका पाउडर थोड़ा सा कलर देने के लिए, और थोड़ा सा ज़ाफ़रान या जर्दी का रंग केवड़ा वाटर में मिला के, ठीक है? चिकन हमारी मेरे ख्याल में हो गई है डन, चिकन तैयार थी भैया, असन के 2 मिनट में कटूँ था, ठीक है? चिकन फिर स्टीम पे भी जाएगी, अच्छी तरह चिकन को बेक करें। अच्छा, मैंने चिकन को डायरेक्ट ओवन में डाल दिया क्योंकि मेरे पास टाइम इतना नहीं होता, आपने मैरिनेट करके भी उसको 2 घंटे रखना है, उसके बाद आपने ओवन में डालना है, ठीक है? स्टीमर में भी लगाएंगी तो 2 घंटे रखने के बाद तक अंदर तक मसाला जाए, और लेमन जूस से भी उसमें बहुत फ्लेवर में फ़र्क आता है, और उससे क्या होता है ब्लड जो अंदर का होता है, कट्स लगाते हैं तो डीप तक अंदर मसाला जाना चाहिए। मैरिनेशन का मकसद ये होता है कि चिकन में फ्लेवर आइए, ना कि आपको चिकन फीका लग रहा हो, ठीक है? मैरिनेशन जो मकसद ये होंगे कि चिकन में तांजे फ्लेवर अचे, चिकन तांजो फिको ना रहे, इन करे चिकन के तां टाइम दिंदो। मां इनके 2 मिंट अना दिया तो मुखे लगे तो इनमें थोड़ो अना टाइम आए, ठीक है? 2-3 मिनट इसको तकरीबन हमारे अब इसको रखे हुए 20 मिनट हो चुके हैं, ठीक है? 20 मिनट असांजा थी चुका है इनके रखे, बाकी 3-4 मिनट ॾींहं था। उनखां पोइ छा कंदासीं, चिकन कढी चांवरनि जे मथां रखबी ऐं इनखे दम ॾिबो। तमामु मज़ेदार इहा मंदी हिते तमामु फेमस आहे, डिफरेंट तरीक़े सां रेस्टोरेंट वारा ठाहींदा आहिनि। ही ओरिजिनल रेसिपी मां तव्हां सां गॾु शेयर कयां पियो जेको अरबी खाईंदा आहिनि, ठीकु आहे? हिन सां गॾु फ्रेश सलाद वेंदो आहे जंहिंमें खीरो, बसर ऐं हुन सां गॾु टमाटो, लीमो, सावा मिर्च हूंदा आहिनि, ठीकु आहे? ऐं इनजे अलावा सिरके में डिप थियल सावा मिर्च या खीरो वेंदो आहे, हुन सां गॾु हिकु चटणी ठहंदी आहे, ठीकु आहे? चटणी जे अलावा, चटणी मां तव्हांखे ठाहिणु सेखारियां पियो, हिनजे अलावा तव्हां चीज़ जा स्लाइसिस हूंदा आहिनि जेको असां खाईंदा आहियूं उहे तव्हां हिन में रखी सघो था, ठीक है? चीज़ के स्लाइसिस आप इसके साथ रख सकते हैं, पीसेस मिल जाते हैं, ठीक है? वो आप रख सकते हैं जो खाने वाली चीज़ होती है। उसके अलावा चटनी इसके साथ जाएगी, और खीरा खीरा प्याज टमाटर का सलाद, अगर चाहें तो खीरा सिरके वाला रख सकते हैं, जलीपनो जो होती है उस तरह का बना के हरी मिर्चों को सिरके में डिप करके आप वो रख लें। इस तरह आप डिफरेंट तरीके से आप इसके साथ सलाद बना के रख सकते हैं अरबी स्टाइल में, ठीक है? ये बिल्कुल ड्राई होने लगे हैं राइस, पानी इसका ड्राई होगा तो इसके अंदर स्ट्रेनर रखेंगे, लेकिन स्ट्रेनर आपने धो के रखना है, ठीक है? अच्छी तरह स्ट्रेनर को धोना है, ठीक है? थी वने जो कलर अच्छी वने तो उनका पो इनके क्यों था, ठीक है? इतने चावरन जो पानी खुश पे थे, चावल का पानी खुश्क हो रहा है, चूल्हा बिल्कुल मैं बंद कर रहा हूँ भी, ठीक है? अब मैं क्या करूँगा, स्ट्रेनर नीचे से अच्छी तरह वॉश होना चाहिए, इसके अंदर रख रहा हूँ, ठीक है? अच्छी तरह वॉश करके, वरना अगर स्ट्रेनर नहीं तो आप डायरेक्ट चिकन भी चावल के ऊपर रख के दम कर सकते हैं। इसके अंदर हमने रख दिया स्ट्रेनर छन्नी, अभी मैं इसको कवर कर रहा हूँ इसके बाद, ताकि चावल हमारे ठंडे ना रहें, ठीक है? चिकन को निकालेंगे और इसके ऊपर रख के फिर इसको दम पे पकाएंगे 10 से 15-20 मिनट तक, जब चावल का दम आएगा तब तक हमारा जो चिकन है वो भी पक जाएगा इसके साथ। जॾहिं बि तव्हां ओवन यूज़ कंदा आहियो उनखां पोइ फ़ौरन बंदि न कंदा कयो, ठीकु आहे? ओवन खे मतिलबु ओवन बंदि करण खां पोइ ढक जेको आहे ओवन जो कवर, हीउ दरवाज़ो हीअं न बंदि कंदा कयो, ताकि उहो ख़राब न थिए, ठीकु आहे? इसका जो कवर है ये खुला रहे, कभी भी आपने फ़ौरन बंदि न किया करे, अंदर बेकिंग से इसमें स्मेल बैठ जाती है वो निकल जाए, ठीक है? इसको हमेशा हाफ़ रखा करें, ओवन जो ढक थोरो खुलो रहे, ताकि बाद में तव्हां केक्स ठाहियो को अहिड़ी शइ ठाहियो त उहो ख़राब न थिए। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमने चिकन बनाई है इसको उठा के हमने स्ट्रेनर, इसमें स्ट्रेनर में रखना है, ठीक है? उठा के छाणी में रखी, चलो ये स्ट्रेनर में जाएगी, अगर चाहें तो आप चावल के ऊपर रख दें, मैंने स्ट्रेनर में रख दिया, ठीक है? अगर स्ट्रेनर नहीं तो आप चावल के ऊपर भी रख सकते हैं, इस तरह रख के 4 पीस भी कर सकते हैं इसी मसाले में, ठीक है? हे करण का पॉइंट के कवर के छंदासी, अब मैं इसको दम पे रखूँगा जिस तरह हम बिरयानी को दम पे रखते हैं। सॉरी माइन में वो रखना भूल गया, 1 मिनट इसको निकालता हूँ,
क्या मैंने रखना भूल गया इसमें, इसमें मैंने वो डालना था जर्दे का रंग या ज़ाफ़रान, ठीक है कोई बात नहीं, दोबारा कर देते हैं। पेपरिका पाउडर, पेपरिका पाउडर या देगी लाल मिर्च, ये फीकी होती जस्ट कलर देने के लिए। हमने एक साइड पे इसका लाइन बना देनी है, ताकि बहुत ज़्यादा नहीं, हाफ़ टी स्पून जितना, ठीक है। जर्दे का रंग केवड़ा वाटर में मिला लें, या उसके अलावा आप वो कर दें क्या कहते हैं ज़ाफ़रान, ये थोड़ा सा डालेंगे कलर के लिए, ठीक है थोड़ा सा। एक लाइन हमने वो डाल दी, एक लाइन वो डाल दी। अब ये स्टीमर हम इसके अंदर रख देते हैं, ठीक है। अब हम इसको रखेंगे दम पे, ठीक है। एकड़े पासे गाढ़ा देगी गाढ़ा मिर्च, लौंग पीठल गाढ़ा मिर्च ना भी, जो तेज बिरयानी, जो बिरयानी को नहीं, ये अरबिक राइस है, ठीक है। इसको मीडियम फ्लेम पे हम पकाएंगे 20 मिनट कम से कम, जिस तरह हम बिरयानी को दम पे रखते हैं उस तरह ये दम पे जाएगी, ठीक है। इसके बाद हम इसकी एक चटनी बनाएंगे और एक सलाद बनाएंगे, ठीक है। पहरी मीडियम फ्लेम ते आए उनका पो ही दमते विंदो 25 मिनट 20 मिनट इनके दमते रखना सी। एकड़ी शॉर्ट ब्रेक जो टाइम थे पे ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक के बाद आके एक चटनी जो स्पेशल इसके साथ बनेगी वो बनाऊंगा, थोड़ी सैलड बनाएंगे इसकी सर्विंग के लिए, लेते हैं शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक ते वञण खां पहिरीं तव्हांजे साम्हूं जेका रेसिपी ठहे पई मंदी तमामु बहितरीन अरबिक रेसिपी ठहे पई ईवा कुकिंग ऑयल सां गॾु, हिनखे टाइम पिया ईवा कुकिंग ऑयल, कनोला सनफ्लावर कुकिंग ऑयल, ईवा कनोला कुकिंग ऑयल, ईवा वनस्पति तमामु बहितरीन वाइटमिन ए ऐं डी खां भरपूर, कोलेस्ट्रोल खे कंदो आहे कंट्रोल, तव्हांजे हार्ट डिज़ीज़ लाइ, तव्हांजे जॉइंट्स पेन लाइ, तव्हांजे कोलेस्ट्रोल लाइ तमामु बहितरीन, छाकाणि त हिनमें ओमेगा 3 मौजूदु आहे। नई पैकिंग में दस्तियाब आहे, हुन सां गॾु मलका फूड जी ब्रांड असां सां गॾु आहे। मलका फूड जी तमामु वसी रेंज असां वटि आहे, जेको पाकिस्तान जे अलावा दुनिया भर में, ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में, हर जॻह इहे मक़बूल आहिनि मसाला हिननि जा। नई रेसिपीज़ हिननि जूं तव्हांखे मिली वेंदियूं तमामु सुठे तरीक़े सां, तव्हांखे वठो ऐं वठी ठाहे हिनखे ट्राए कयो। हिते मां हिनजी चटणी स्टार्ट कंदमि। मंदी जी जेका चिकन हुई उहा मंदी मसालो लॻाई, मां हिनखे ओवन में रखी छॾियो, हुन खां पोइ हिनखे कढी मां हिते स्टीमर में लॻाए छॾियो। हे शुरू में चूल्हो थोरो तेज़ हो, हाणे हल्की बाहि ते किथे अचनि, ठीक है। अच्छा, इसमें रखने का मकसद ये होता है चावल में चिकन को, कि जब चावल हम दम पे रखते हैं और चिकन का जो मसाला है वो जब स्टीम पे आएगा तो स्टीम के ज़रिए वो मसाले का अरोमा इसके अंदर आएगा और ये गिरता है इसके अंदर मसाला, ठीक है। आप इसमें स्मोक दे सकती हैं, मैं इसमें नहीं दे रहा स्मोक, ठीक है, मैं हमें अभी कोयला अवेलेबल भी नहीं है, तो स्मोक भी आप देना चाहें तो इसमें दे सकती हैं, क्योंकि मंदी में स्मोक होता है बहुत सी जगहों पर, नहीं लोग लाइक करते तो नहीं देते। कोयले की धुनी आप इसमें दे सकती हैं, चाहे तो इनके अंदर कोयले की धुनी ले सको था, इतने मोट अवेलेबल ना है ना, तो मैं कोयले की धुनी ज़रूर में ॾियां। एक कोयलो दुखा बारे इनके अंदर साइड में वट्टी में रखी छो, मथा ऑयल या बर ड्रॉप वी इनके ढक दे छो, तो इनमें कोयले जो स्मोक अच्छी, ठीक है। सलाद जे लाइ असां छा कंदासीं, बिल्कुल रफ़ कटिंग कंदासीं बसर जी, ठीक है, क्यूब्स में रफली कटिंग जैसे होती है प्याज की, उस तरह एक अदद प्याज, ठीक है, आपको जैसे अच्छा लगे, लेकिन जो इसके साथ प्याज जैसा सर्व होता है उसी तरह मैं रफली एक अदद प्याज की कटिंग कर दी, ठीक है। ये आप एक बॉल में डालें, सिरका डाल सकती हैं, लेमन जूस डाल सकती हैं, मैं लेमन जूस डाल रहा हूँ, ठीक है। प्याज डालने के बाद एक अदद टमाटर ले लें, इसी तरह इसका साइड हटाने के बाद इसको आपने इस तरह क्यूब्स में कटिंग कर लेना, ठीक है। यो भी तां क्यूब में कटिंग करे सको था, ये हो गया। ये डाल दिया, उसके बाद हम इसमें डालेंगे खीरा, ठीक है। चुकंदर डालना चाहें तो डाल सकती हैं, लेकिन चुकंदर क्या होता है, फिर बॉयल करके डालना पड़ता है, वो कलर छोटा। अच्छा, चीज़ के स्लाइसेस भी डाल सकती हैं, वो चीज़ खाने वाली मिलती है, उसके क्यूब्स करके आप इसमें डाल सकती हैं। कॉटेज चीज़ भी आप फ्राई करके इसमें डाल सकती हैं, ठीक है। कॉटेज चीज़ मां तव्हांखे ठाहिण बि सेखारी आहे, कॉटेज चीज़ फ्राई करे बि विझी सघो था, कॉटेज चीज़ ईअं बि विझी सघो था अगरि ईअं बि तव्हांखे पसंदि आहे, न त खाइण वारी हिकिड़ी अलॻि चीज़ मिलंदी आहे क्यूब्स में, उहो बि तव्हां विझी सघो था, ठीकु आहे। क्यूब्स में बि मिलती है चीज़, बाहर तो अरबिक खाते हैं, डिफरेंट फ्लेवर्स में भी मिलती है वो, उसके क्यूब्स भी आप इसमें डाल सकती हैं, ठीक है। रफली चॉप किया हुआ इसमें ये
ये मैं डालूँ ऐसे क्यूब्स में कटिंग किया हुआ खीरा, ठीक है, और उसके साथ हम इसमें एक अदद हरी मिर्च डालेंगे। अच्छा, हरी मिर्च आप सिरके में डिप करके 3-4 इसमें डाल सकती हैं, ठीक है। सिरके में सावा मिर्च पिसाए रखी छे, जो सॼी राति तमामु सुठो जो फ्लेवर ईंदो उहो सिरके में डिप थियल तव्हां जे अंदरि जेको आहे इहो विझी सघो था, सावा मिर्च साबित ॾाढा सुठा थींदा, मज़ेदार। 6-8 सावा मिर्च सिरके में पिसाए छॾिजो, सॼी राति पिया हुजनि फ्रिज में रखी छॾो, पोइ कढ़ीनि सां गॾु मिक्स करे छॾिजो, ठीकु आहे। थोरा सावा धाणा हसबे ज़रूरत या पुदीना, मैं हरा धनिया डाल रहा हूँ, थोड़ा फाइन चॉप किया हुआ। हरी मिर्च एक अदद ऐसे चॉप करके डाल दें, ठीक है। इसके बाद हम इसमें डालेंगे लेमन जूस, थोड़ा सा सॉल्ट फॉर टेस्ट, नमक। अच्छा, इन का पॉइंट में विझंदासीं लीमे जो रस थोड़ो सो, ठीक है। क्या? नहीं नहीं, वो तो फ्रूट है। अच्छा ठीक है, ये जो है इनके करें, इनको कंदासीं मिक्स। हाँ वही तो बता रहा हूँ, कीरी जो होती है, हाँ की, हाँ हाँ वही मैं कह रहा हूँ, खाने वाली मिलती है, नाम इसलिए नहीं रहा हूँ ब्रांड की वजह से। हाँ बहुत अच्छी होती है। अच्छा ये चंगी तरह मिक्स थी वो, ठीक है। ये हमारा हो गया सैलड, इसके साथ जो सर्व करेंगे। अब हम एक चटनी बनाते हैं, मंदी की जो स्पेशल चटनी होती है, सिंपल होती है, टमाटर के साथ ही बनती है, लेकिन इसमें मंदी मसाला जाएगा, ठीक है। ये असांजो सैलड थी वो तैयार। हिन खां पोइ असां छा विझंदासीं, हिकिड़ो जूसर ब्लैंडर में खणंदासीं चटणी जेका जी ठहंदी, ठीक है। इसकी जो चटनी बनती है मंदी के साथ सर्व होती है, सिंपल सी चटनी होती है, मज़ेदार ही है, ठीक है। इसमें हम डालेंगे एक बड़ा टमाटर या 2 छोटे टमाटर, लाल होने चाहिए, ठीक है, ऐसे क्यूब्स में कटिंग करके। मेरे पास छोटे टमाटर हैं तो मैं इसमें 2 टमाटर डालूँ, टमाटर डाल दिए। उसके बाद हम इसमें डालेंगे हरी मिर्च, तेज़ वाली लग रही है मुझे तो इसलिए मैं इसमें 1 डाल रहा हूँ, आप 2 डालिएगा अगर फीकी है। सावा मिर्च 1 तिखो आए तो 1, फिका आए तो 2 विझो। थूम जी गणियूं विझो इनमें, हे मो देसी वाली ना है थूम, चाइना वाली है तो मैं 2 गणियूं वड़ियूं विझा पे, देसी आए तो 4-5 विझो, ठीक है। देसी लहसुन जो है वो आपने 4 अदद डाल देनी है या 6 अदद बारीक वाली, ये चाइना वाली लहसुन है तो इसके 2 जवे डाल दिए, ठीक है। इसके बाद हरा धनिया आधी गट्ठी जाएगी, वॉश करके अच्छी तरह, हरा धनिया आधी गट्ठी, अधी गट्ठी सावा धाणा, ठीक है। हुन खां पोइ में वेंदो लीमे जो रस, वॾो लीमो आहे तंहिंजो अधु विझां पियो। केतिरो लीमे जो रस हूंदो हिनमें, 2-3 खाइण जा चमचा, ठीक है। बड़ा लेमन है तो मैं इसका 1/2 के करीब डाल रहा हूँ, 2 टेबल स्पून जितना लेमन का जूस जाएगा, ठीक है। 2 टमाटा दरमियाने साइज़ जा या 1 वॾो टमाटो गाढ़ो, अधु सावा धाणा अधु गठी, साओ मिर्च तिखो आहे त 1, फिका आहिनि त 2 विझी छॾिजो, थूम जूं नंढियूं गणियूं आहिनि त 4-6 विझी छॾिजो, वॾियूं आहिनि त 2 विझी छॾिजो, ठीकु आहे। ऐं हिन में लीमे जो रस हली वियो, लीमे जो रस तकिड़ो 2-3 खाइण जा चमचा, ठीकु आहे। हुन खां पोइ हिन में छा वेंदो, थोरो सो मामूली लूण, 1 पिंच, छाकाणि त मंदी मसालो में विझा पियो, 2 पिंच जेतिरो लूणु वधीक न, बाद में विझी सघो था, 2 पिंच नमक, ठीकु है। मंदी मसालो जेको मूं ठाहियो हो हुन मां ही मां 1/2 चांहि जो चमचो बचाए रखियो हिन जे अंदरि हलियो हो, ठीकु है। मंदी मसाला इसके अंदरि डाल दिया, रेसिपी रिपीट कराता हूँ। 2 अदद टमाटर छोटे या 1 बड़ा लाल टमाटर चॉप करके डाल दें, लहसुन के 2 बड़े जवे डाल दें, देसी चाइना वाले या छोटे हैं तो 4-6 जवे डाल दें, हरी मिर्च 1 तेज़ है 1 डालें, फीकी हैं तो 2 डाल दें, हरा धनिया आधा गट्ठी डाल दी, लेमन जूस 2-3 टेबल स्पून डाल दिया, थोड़ा 2 पिंच सॉल्ट डाल दिया, उसके बाद मंदी मसाला जो मैंने बनाया था उसमें से 1/2 टीस्पून इसके अंदर डाला है। इसको अच्छा सा ब्लेंड करेंगे, कोशिश करें कि पानी ना डालें इसके अंदर, ठीक है। अगर ज़रूरत पड़ी तो 2 टेबल स्पून पानी, उससे बिल्कुल ज़्यादा पानी नहीं डलेगा, पतला नहीं करना है चटनी को, गाढ़ा रखना है। मैं इसमें 2 टेबल स्पून मैंने पानी डाल दिया, ठीक है। ये आहिस्ता आहिस्ता खुद ही ब्लेंड होना शुरू हो जाएगी, चंगी तरह इनके ब्लेंड कजो। ठीक है, चटनी हमारी हो जाएगी ब्लेंड। ये है मंदी चटनी, मंदी की जो चटनी बनती है, ठीक है। इसके साथ सर्व होती है। अली भाई टाइम बताइएगा, हाँ कितना टाइम है,
ठीक है। आप लोग ने इसको अच्छी तरह मैरिनेट करना है, टाइम देना है, तो आपकी चिकन बहुत अच्छी बनेगी। मैं टाइम की वजह से जल्दी जल्दी बना रहा हूँ ताकि आप लोग इसका रिज़ल्ट देख सकें, ठीक है। चावल जो पतीलों लाया था, चूल्हा बंद करके ये स्टीम पे पकती है, ठीक है। इसके बाद आपने कोयले का स्मोक भी देना है, लेकिन मैंने नहीं दिया, मेरे पास कोयला अवेलेबल नहीं था, ठीक है। कोयले जी धूनी दींदो तो वधीक जो सुठो ना फ्लेवर इंदो। ये लाई छजो उनका पूछा खंदासी स्टीमर में, ये जो चिकन है ये कढ़ी था पे ऊपर से इसके रखेंगे। बिल्कुल तैयार हो गई चिकन, तीन पीस है मेरे पास, आप चार पीस तक भी जा सकते हैं, ठीक है। इधर रख दी मैंने, इसका जो मसाला है वो बाद में निकालते हैं, इसको हम पतीले से निकाल लेते हैं स्टीमर को भी, ठीक है। स्टीमर के मैं पतीले में कटी छोड़ो आई हाँ तीन दो चावरन जो कलर, ये देखें चावलों का कलर, इसमें जर्दे का रंग या ज़ाफ़रान का कलर भी आ रहा है, और इसमें पेपरिका पाउडर डाला था, ये लेमन ऊपर पड़ा हुआ, इसकी अरोमा इसके अंदर अलग आ रहा है, ठीक है। अब हम इसको मिक्स करेंगे हल्के हाथ से, इस तरह आपने चावलों को खोलना है, ठीक है। मसालो आराम सा है थी विंदो, इस तरह ये मंदी राइस ये निकाल लें आपने, ठीक है। पूरा इसका होता है बड़ा सा थाल होता है, वो तो नहीं है, ये बड़ा सा प्लेपर प्लेटर है, तो इसमें मैंने निकाल दिया, ठीक है। बड़ा स्टील का थाल होता है, उसमें डिश टाइप का होता है गोल, उसमें ये निकाला जाता है, मेरे पास तो वो अवेलेबल नहीं था, तो मैंने इस तरह, ठीक है, वे थाल में ही सर्व थी, गड सही खाईंदा होते था तहाँ भले अलग अलग करना चाहिए, नतीजे सर्विंग जो होंगी है डिश में यही थी, ठीक है। तेज पत्ता हटाई छो, बाकी सब गर्म मसालो इनके अंदर साबित हों, ऐसो एक शेप इनमें लगी ना है, मसालो लगो ना है, जो चिकन जो खुशबू हुई इनके अंदर अची हुई है, ठीक है। ये हो गया, इसके बाद हम क्या करेंगे, जो इसका कचुंबर बनाया था ये पूरा इसके साइड में डाल दें इस तरह, ठीक है। ये हो गया, इसके बाद हम क्या करेंगे, हरी मिर्च रखते हैं इसके ऊपर एक, और उसके साथ जो चटनी मैंने बनाई है, चटनी मंदी के साथ जो हमने सर्व करनी है, मंदी की चटनी ये आपने इसके ऊपर रखनी है, ठीक है। ये चटनी थी भाई, इनसे कर जो असा चिकन रखी है, ये जो मसाला है इस पर लगा हुआ, ये सारा आपने उतार लेना है, सारा मसाला इसके ऊपर डाल दें, जो राइस के ऊपर जिसमें बच रहा है स्टीमर में। उसके बाद हमने क्या करना है, लेग पीसेस ठा के मंदी के इस तरह आपने साथ रखने हैं, ठीक है। ये हो गई हमारी मंदी, इस पर हरी मिर्च रखते हैं एक दो, ठीक है। ये असि मंदी तैयार थी, इन तरीके से तुम सर्व कौ, वो थाल हो स्टील जो था उनमें भी करी सको था। ज़बरदस्त रेसिपी है, सुबह 12 बजे रिपीट भी चलेगी, और इसी तरह आपने सर्व करके बनानी है। मटन में अगर बनाना चाहें तो मटन में भी सेम तरीके से बनेगी, ठीक है, लेकिन मटन को आपने मैरिनेट ज़्यादा करना है, पूरी रात मैरिनेट करें या 10 घंटे कम अज़ कम मटन को मैरिनेट करें, तब जाके आपकी रेसिपी ज़बरदस्त बनेगी, ठीक है। हे ऐसो हे मंदी में तक ठाण सिखारी, कल 12 बजे रिपीट चलेगा, लाइंस में थोड़ी प्रॉब्लम थी इसलिए कॉल नहीं ले सके, ठीक है। फिर कल इंशाल्लाह आप कॉल कीजिएगा, कल तक सही हो जाएगा तो फिर आपकी कॉल लेंगे। कुकिंग विद शेफ ऐसा मेरा पेज है, मेरी रेसिपी अपलोड हो जाएगी, कोई भी मैसेज करना हो, कुछ भी पूछना हो पेज में मुझसे पूछ सकती हैं, और वीडियो देखने के लिए सर्च करें सिंध टीवी HD कुकिंग शो यूट्यूब पे, या फिर कुकिंग विद फैसल भी सर्च करेंगे यूट्यूब पे, आपको प्रीवियस वीडियोस मिल जाएंगी, आज वाली भी शाम में अपलोड हो जाएगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, कल फिर इंशाल्लाह नई रेसिपी से मुलाकात होगी, चाइनीज़ भी
मे बी कल से या परसों से स्टार्ट करेंगे, पूरे दो वीक करेंगे चाइनीज़ के, ठीक आहे। इनशाला सुबुह जो 12 वगे रिपीट हलंदो, कुकिंग विद शेफ एस मुंहिंजो पेज आहे, हुते रेसिपी अपलोड थी वेंदी। ऐं वीडियो ॾिसण लाइ सर्च कयो सिंध टीवी HD कुकिंग शो यूट्यूब ते, या कुकिंग विद फैसल तव्हां सर्च कंदो यूट्यूब ते, तव्हांखे वीडियो मिली वेंदी। लाइन में प्रॉब्लम हुई, हिन करे कॉल्स न वठी सघां थी। सुभाणे ट्राई कंदासीं। इहा रेसिपी ज़रूरु ठाहिजो, सुबुह जो 12 वगे रिपीट में ॾिसजो। पंहिंजो खोड़ सारो ख़्यालु रखिजो, दुआउनि में यादि रखिजो। इनशाला सुभाणे वरी मुलाक़ात थींदी। तेसि ताईं अलाह हाफ़िज़।